जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एठी उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्तिन को मोर नमस्कार। देवी मां चामुंडा चंडी मंदिर डमडमणी पीठ मां भट्टारिका प्रभु नीव माधव की इस पवित्र धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, हमारे नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो उमंग से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। भाइयों और बहनों, कटक देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहां इतिहास भी है, विरासत भी है। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उत्कल गौरव, मधुसूदन दास, उत्कल मणि, गोपबंधु दास, उत्कल केसरी, हरे कृष्ण महताब, ऐसे अनगिनत महानुभावों की प्रेरणा है। ये आधुनिक शिक्षा की नगरी है। ये विकसित भारत का सामर्थ्य बढ़ाने वाली धरती है। साथियों, जिस कटक का, जिस ओडिशा का इतना बड़ा महत्व है, उसे क्या कोई ऐसा व्यक्ति संभाल सकता है जिसको ओडिशा की संस्कृति की समझ न हो, जिसको यहां की मिट्टी की संवेदना की समझ न हो? बीजेडी को आपने इस शताब्दी के 24-25 साल देकर देखे हैं और आपने देखा है परिणाम क्या निकला। अब अगले 25 वर्ष उड़ीसा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यहां बहुत सारे लोग अपने कुछ न कुछ चित्र पेंटिंग लेकर के आए हैं। जरा एसपीजी के लोग सारा कलेक्ट कर लीजिए, जो नौजवान और बच्चे कुछ लाए हैं पीछे अपना नाम पता लिख दें, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजूंगा।
ये सुभाष बाबू बन के आया है नौजवान, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जिसको जो देना है अभी दे दो, बाद में मुझे कोई रह जाए ऐसा ना हो। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, ओडिशा को अब बीजेडी की स्लो सब रफ्तार सरकार पीछे छोड़कर डबल इंजन वाली भाजपा सरकार चुननी है। और मेरा आपसे आग्रह है, अभी मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है कि हां हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी। ये सरासर गपबाजी है। यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है और भाजपा ही अगले 25 वर्ष में ओडिशा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। साथियों, ओडिशा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिटफंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। अब ऐसे में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है क्या? संभव है क्या? यहां इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्या? यहां रोजगार बन सकता है क्या? मैं तो हैरान हूं, मेरे यहां गुजरात में शायद उड़ीसा का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा वहां के लोग गुजरात में आकर के रोजी रोटी न कमाते हो। जो प्रदेश इतना समृद्ध है उस प्रदेश को ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को ये चुनाव तो सजा करने के लिए चुनाव है उन लोगों को। भाई और बहनों, बीजेडी सरकार कैसे काम करती है इसका कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने आ रहा है। जब से मोदी सरकार बनी है तब से ओडिशा के विकास के लिए मैंने रिकॉर्ड पैसा दिल्ली से भेजा है। पहले टैक्स का जितना पैसा केंद्र सरकार से ओडिशा को आता था, मोदी ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा ओडिशा को दिया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जब पुरानी खनन नीति थी तब उड़ीसा को करीब 5,000 करोड़ रुपया मिलते थे। मोदी ने नई खनन नीति बनाई, आज उड़ीसा को खनन से ही लगभग 50,000 करोड़ रुपये की आय हो रही है। अब आप सोचिए,
कांग्रेस के जमाने में 5,000 करोड़, मोदी के जमाने में 50,000 करोड़ रुपया यहां मिलता है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत भी ओडिशा को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी मोदी सरकार यहां पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे भेज रही है, लेकिन ओडिशा में बीजेडी की भ्रष्ट सरकार इस पैसा का गोलमाल कर रही है। मैं ओडिशा के करीब करीब हर जिले में जा चुका हूं। यहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर चीज का अभाव है। तो ये पैसा किसकी जेब में गया? यहां कटक में ही देखिए जल भराव का कितना बड़ा संकट हर साल रहता है। मैं यहां हाईवे के, रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट भेजता हूं, लेकिन बीजेडी के नेताओं को जब तक कट कमीशन नहीं मिलता तब तक वो हर प्रोजेक्ट को लटकाए रखते हैं। बीजेडी नेता अपने करीबी ठेकेदारों को ही ठेके दिलवाकर आपको हर तरफ से लूट रहे हैं। आप मुझे बताइए, उड़ीसा के साथ ये जो लूट चल रही है, ये लूट बंद होनी चाहिए क्या? ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ये लूट बंद होनी चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। ये लूट कौन बंद करेगा? ये लूट बंद कौन करेगा? ये लूट बंद कौन करेगा? मोदी मोदी के मत करो, ये आपका एक वोट है ना, वो ये लूट बंद करेगा। आपके वोट की ताकत है जो उड़ीसा का भाग्य बदल सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेडी के इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का ही हो रहा है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है, एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और वह माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। साथियों, मोदी सरकार शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत पर बल दे रही है। 10 साल में ओडिशा को IIM, आइजर ब्रह्मपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ऐसे अनेक संस्थान मिले हैं। टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल से लेकर इथेनॉल तक हर सेक्टर में मोदी सरकार ने बड़े लक्ष्य रखे। इससे कटक में भी उद्योगों की संभावनाएं बढ़ेगी। और अभी हमारे मित्र मेहताब जी मुझे बता रहे थे कि यहां पहले इतने उद्योग थे, एक के बाद सबको ताले लग गए, यहां का आर्थिक जीवन तबाह हो गया है। और इससे यहां के नौजवानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
और इसलिए साथियों हमें यहां निवेश चाहिए, हमें उद्योग चाहिए, हमें पुराने उद्योगों का पुनर्जीवन चाहिए साथियों, और वो जब होगा और मैं आपको दिलाता हूं विश्वास, ये भाजपा में ताकत है, वो कर सकती है। मैं उड़ियावासियों को वादा करता हूं, मेरे पास लंबे समय तक एक राज्य को चलाने का अनुभव है। भले मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री रहूंगा, लेकिन ओडिशा में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार बनेगी, उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। साथियों, बीजेडी सरकार को कटक के लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। कटक चारों तरफ नदियों से घिरा है, लेकिन यहां पीने के पानी की समस्या है। मोदी नल से जल देना चाहता है, लेकिन ये रोड़े अटकाते हैं। मोदी ने देश के गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है। ओडिशा में भी करीब 30 लाख गरीबों के नए घर बने हैं, लेकिन बीजेडी आपके लिए नए घर बनाने में लगातार अड़चनें पैदा कर रही है। गरीब को पक्का घर मिलने से रोके ऐसा काम आपका दुश्मन ही कर सकता है। भाइयों बहनों, आप यहां डबल इंजन की भाजपा सरकार बनाएंगे तो आपका बिजली का बिल 0 होगा। बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप बिजली बेचकर कमाई करेंगे। और ये कमाल मोदी सरकार की जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से है, उससे होगा। और उसकी रजिस्ट्री चल रही है, आप अभी भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं ऑनलाइन जाकर के। घर की छत पर सोलर पैनल के लिए मोदी सरकार आपको 75,000 रुपये से ज्यादा देगी हर घर के ऊपर। और अतिरिक्त बिजली भाजपा सरकार यहां जो बनेगी वो आपसे खरीदेगी। अब मुझे बताइए, आपको डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, डबल फायदा हुआ कि नहीं हुआ, पैसे की बचत हुई कि नहीं हुई, वो पैसे आपके बच्चों के काम आएंगे कि नहीं आएंगे। साथियों, उड़ीसा भाजपा ने माताओं बहनों के लिए जो गारंटियां दी है, आज उनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। सुभद्रा योजना से माताओं बहनों को बहुत मदद मिलेगी। आप कल्पना कीजिए, 10 साल पहले तक माताओं बहनों के बैंक खाते तक नहीं थे। अब ऐसी ऐसी शानदार योजनाएं भाजपा हमारी माताओं बहनों के नाम पर ला रही है। मोदी की एक और गारंटी, देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनेगी, आप कल्पना कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी कितनी तेज चलेगी।
लखपति दीदीया ने हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय और वो भी स्वाभिमान के साथ। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनों के लिए भी उड़ीसा भाजपा ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनों को 12,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी, ये उड़ीसा भाजपा ने कहा है। इसके साथ साथ जब यहां आयुष्मान योजना लागू होगी तो कटक के किसी भी परिवार को अपने बुजुर्गों के इलाज के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये दिल्ली में जो बैठा बैठा है ना वो करेगा। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, विकास और विरासत ये भाजपा का एजेंडा है। आपने देखा कि दिल्ली में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां आए थे और सबको मोदी ने कोणार्क के चक्र के सामने खड़ा किया, कोणार्क के चक्र के सामने फोटो निकाली और उनके घरों में आज कोणार्क का सूर्य चक्र पहुंच गया है। इससे पूरी दुनिया में कोणार्क का गौरव बढ़ा है। लेकिन बीजेडी सरकार को उड़ीसा की धरोहर की कोई चिंता नहीं है। जगन्नाथ जी के श्री रत्न भंडार को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे पूरा उड़ीसा बहुत गुस्से में है। अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है, कहते हैं। अभी किसने भेजी है भाई तमिलनाडु? ये तमिलनाडु कौन ले गया है? कौन ले गया है? ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? जिस तरह श्री रत्न भंडार की चाबी खो गई और फिर जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया और इस मामले पर बहुत बड़े गंभीर सवाल उठते हैं, लेकिन मैं उड़ीसा के मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूं, साथियों, ये मोदी है, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती की पूजा कर रहा हूं और मेरे लिए जितने भगवान सोमनाथ दादा के आशीर्वाद है इतने ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद है। मुझ पर सोमनाथ दादा का भी कर्ज है, मुझ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी कर्ज है और इसलिए मैं उड़ीसा के एक एक नागरिक को गारंटी देता हूं, आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी और अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव उड़ीसा के विकास
और उड़िया गौरव को बचाने के लिए है। इसलिए ये जितने भी हमारे साथी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको चुन करके हमें उड़ीसा की सरकार भाजपा की सरकार बनानी है। सारे एमएलए के उम्मीदवार आगे आ जाएं, एमएलए के उम्मीदवार आगे आ जाएं। ये चुनाव देश को एक मजबूत सरकार देने का भी है। इसलिए कटक से मेरे मित्र भर्तृहरि महताब जी को इस बार बहुत बड़ी लीड से दिल्ली भेजना है और इनको मिला हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।